नमस्कार, जय माता दी। आज है गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। इस दिन गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गणपति महाराज बहुत खुश होते हैं। कल मैं आपको एक अपने ऊपर आई बीती कहानी बताती हूँ। वो कहानी है या आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। कल मैं एक फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी। जब मैं उस फ्लाईओवर पर चढ़ी तो आधे फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद एक मात्र एक बाइक वाला जो है वो यू टर्न लेकर आया रॉन्ग वे में, और उसको देखकर पीछे की बाकी सारी गाड़ियां रुक गईं। किसी ने ये भी जानने की कोशिश नहीं करी, इनफैक्ट मैं भी, कि आगे फ्लाईओवर बंद है, पुलिस वाले वापस भेज रहे हैं, ये बंदा रॉन्ग वे में क्यों आ रहा है। एकमात्र उस व्यक्ति को देखकर कम से कम नहीं तो 20 से 25 गाड़ियों ने वहीं से रॉन्ग वे में यू टर्न लिया और नीचे आ गए। उसमें से मैंने भी यू टर्न लिया। नीचे यू टर्न लेने के बाद मैंने सोचा, मैं नीचे क्यों आई हूँ? हो सकता है वो बाइक वाला गलत चढ़ गया हो, हो सकता है उस बाइक वाले को फ्लाईओवर के नीचे जाना हो, लेकिन ये बात किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं करी और हम सब उसके पीछे पीछे नीचे आ गए। ठीक है, अब नीचे जब आने के बाद मैंने वापस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लिया तो उस साइड से जो लोग आ रहे थे उसमें एक रिक्शा वाला था जिसकी रिक्शा में सोफा था। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने उससे पूछा, भैया क्या हुआ है, ये सब लोग उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं और सब लोग इस तरफ से यू टर्न क्यों आ रहे हैं? क्या वहाँ पुलिस वाले रोक रहे हैं या कोई बैरियर लगा हुआ है? तो उसने बोला, नहीं मैम, वहाँ पर एक जो बोर्ड लगा होता है कि इधर यूपी है, इधर दिल्ली है, वो बोर्ड नीचे गिर गया जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक है। मैंने कहा, वेल एंड गुड। लेकिन इस कहानी से मुझे एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी में भी कई बार हम ऐसा ही करते हैं। हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ लोग हमसे ये कह देते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, या वो उस कार्य को करने में अनसक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस नहीं पाते हैं। तो हम सोचते हैं, अरे भाई, जब वो इतना इंटेलिजेंट था, वो स्कूल और कॉलेज में मुझसे टॉपर था, वो ही नहीं कर पाया इस बिज़नेस को, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो हम बिना जांचे, बिना सच देखे, किसी ने कह दिया कि डॉक्टर वायराकी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने डॉक्टर वायराकी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो उसकी समझ पर हमने अपनी समझ को समझ लिया। एक व्यक्ति ने हमें कह दिया कि कांग्रेस को जाके वोट दो, बीजेपी को जाके वोट दो, हमने सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करी और हमें जिसने जो कहा हमने उसको जाकर वोट दे दिया। तो यहाँ पर भगवान ने सबसे ऊपर दिमाग इसलिए दिया है कि सोचो, देखो, फिर बोलो और फिर कदम चलाओ। मतलब सोच समझ कर आपको चीज़ों को करना चाहिए। इसीलिए अगर आप ज़िंदगी में नाकामयाब हो रहे हैं और कुछ लोगों के कहने पर तू पतला नहीं हो सकता, तू पास नहीं हो सकता, आईएएस कभी नहीं बन सकता, और आप भी मेरी तरह यूटर्न ले रहे हैं, तो इस यूटर्न को मत लें। क्योंकि यकीन मानिए, मुझे ये यकीन है कि आप जो भी करें, शिद्दत से करें और सारी दुनिया की आँखें टेढ़ी हो जाएँ, सारी दुनिया आपके लिए गलत बोल दे, लेकिन अगर आप में वो करने की पावर है तो यकीनन आपको कोई नहीं रोक सकता। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सबसे बड़ी बात, आज गणपति महाराज की पूजा आराधना अर्चना ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।